हरियाणा विधानसभा बजट के सत्र की छठे दिन की कार्यवाही बुधवार को शुरू हुई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सदन में पढ़े शोक प्रस्ताव। मुख्यमंत्री ने हरियाणा विधानसभा के भूतपूर्व सदस्य डॉक्टर अशोक कश्यप के 26 फरवरी 2019 को हुए दुखद निधन पर शोक प्रकट किया। मुख्यमंत्री ने हरियाणा राज्य कवि उदय भानु हंस के निधन पर भी गहरा शोक व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने शोक संतृप्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की और दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की। सदन में 2 मिनट का मौन भी रखा गया। अध्यक्ष महोदय, सदन के सत्र के दौरान कुछ क्षति हमारे महानुभाव कुछ हमारे बीच से चले गए। मैं 2 शोक प्रस्ताव रख रहा हूँ। ये सदन हरियाणा विधानसभा के भूतपूर्व सदस्य डॉक्टर अशोक कश्यप के 26 फरवरी 2019 को हुए दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। उनका जन्म 25 जनवरी 1967 को हुआ। वे वर्ष 2009 में हरियाणा विधानसभा के सदस्य चुने गए। वे एक निष्ठावान सामाजिक कार्यकर्ता थे। उनके निधन से राज्य एक योग्य विधायक की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। शोक प्रस्ताव 2। यह सदन प्रख्यात हिंदी कवि श्री उदय भानु हंस के 26 फरवरी 2019 को हुए दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। उनका जन्म 2 अगस्त 1926 को हुआ। वे एक सुप्रसिद्ध हिंदी कवि थे। उन्होंने 26 पुस्तकों की रचना की। उन्हें वर्ष 1967 में राज्य कवि का दर्जा दिया गया। उन्हें वर्ष 2006 में सूर पुरस्कार, वर्ष 2009 में हरियाणा साहित्य रत्न सम्मान तथा वर्ष 2017 में आजीवन साहित्यिक सेवा पुरस्कार से अलंकृत किया गया। उनके निधन से देश हिंदी साहित्य के एक युग पुरुष की सेवाओं से वंचित हो गया है। ये सदन दिवंगत के शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। चंडीगढ़ से अर्थ प्रकाश न्यूज़।